क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पुलिस ने किया अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार, आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चोरों के हौसले हुए बुलंद, युवक का फोन छीन कर हुए मौके से फरार, पुलिस जुटी मामले की जांच में। सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल, नगर प्रभारी पर लगाए आरोप। हाफ मैराथन दौड़ में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने जीत दर्ज की, 15 से ज्यादा बार रह चुके हैं विजेता। पॉक्सो व रेप कांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर बेतिया से है, जहां मझौलिया थाना क्षेत्र के बैठनिया भनाचक पंचायत में पुल के पास से गाड़ी सहित अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने पूरे मामले में जानकारी दी और कहा कि बाकी आरोपियों का खुलासा होते ही आरोपी पर कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जाएगा। मझौलिया थाना कांड संख्या 1022, जो शोभा देवी पति त्रिभुवन मिश्रा ग्राम नौरंगाबाद बेतिया के निवासी हैं, उन्हीं के लिखित आवेदन पर दर्ज किया गया था, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके लड़के चंदन मिश्रा का अपहरण ग्राम बैठनिया निवासी अफरोज एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा कर लिया गया है। उक्त सूचना के आलोक में तत्काल रेड छापामारी कर चंदन मिश्रा को बरामद किया गया, साथ ही अपहरण करने वाले 5 अपहर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र में सोफवा मंदिर के पास बदमाशों ने एक व्यक्ति का मोबाइल और बाइक छीन कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद लोगों ने कुछ दूर तक चोर का पीछा भी किया। वहीं इस मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कुरगावा के बीच में हमारे के 3 आदमी मार के साइकिल छीन लेलो, मोबाइल छीन लेलो, दुनिया से हम अपन घरे गई। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज के प्रॉपर्टी डीलर राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में निवर्तमान सभापति राधेश्याम तिवारी सह अधिवक्ता के गिरफ्तारी के विरोध विधिक संघ के अधिवक्ताओं की एक आपात बैठक की गई, जिसमें बार के पूर्व सचिव सह नगर परिषद के निवर्तमान सभापति राधेश्याम तिवारी की राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी को अधिवक्ताओं ने विधि विरुद्ध बताते हुए पुलिस या कार्रवाई की कड़ी निंदा की। श्रीवास्तव हत्याकांड के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर सकने वाली स्थानीय पुलिस ने अब तक नन FIR के को एक्यूज्ड के रूप में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार करके अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को
गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया है जो सर्वथा निंदनीय है। मेरा मानना है कि नगर सभापति निवर्तमान राधेश्याम तिवारी जो नरकटिया विधिक संघ के पूर्व सचिव ही रह चुके हैं जो थे क्योंकि शनिवार को हम लोगों को पता चला कि शुक्रवार को मध्य रात्रि राधेश्याम तिवारी के आवास स्थानीय पुलिस 50-60 पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर को घेर के और उन्हें ले गए। ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी जो है ISI का यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। राधेश्याम तिवारी निवर्तमान सभापति थे, हमारे बार के पूर्व में सचिव रह चुके हैं और इस शहर के प्रथम नागरिक थे। जब देखिए राधेश्याम तिवारी जो थे उनकी गलत ढंग से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के घोर निंदा करते हैं। वह सभापति होने के साथ साथ हमारे संघ के पूर्व सचिव भी थे और हम लोग जो है उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करते हैं। खबर नालंदा से है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 410 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का उद्घाटन किया। बता दें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल तक आने को लेकर पूरे कॉलेज परिसर में सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की गई और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। आज रहुई प्रखंड के लिए ऐतिहासिक पल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 3 बजे रहुई भागन बिघा पटना रहुई डेंटल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और रहुई के लिए एशिया का दूसरे नंबर का हॉस्पिटल कॉलेज बना है। मतलब इसके लिए तहे दिल से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनको धन्यवाद देने के साथ और क्या उनको कहा जाए, मेरे लिए शब्द नहीं है। आज ऐतिहासिक पल है और पूरे रहुई के लिए क्या कहें, बहुत बहुत बड़ा उपलब्धि मिला है। क्या नाम हुआ? खबर भागलपुर से है जहां जिले के कहलगांव नगर पंचायत के ऑफिस में सफाई कर्मचारी के द्वारा सैलरी को लेकर सभी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल किया और नगर प्रभारी सोनी कुमारी पर पेमेंट समय से ना देने के आरोप लगाए। हम सब का बढ़ती मांग था, वो नहीं दे रहा है, इसलिए हम सब हड़ताल पे गए। इस विषय में कार्यपाल अधिकारी को सूचना दिए थे? हाँ, सूचना दे दिए हैं, लेकिन जू तक नहीं जाता। नहीं, और यहाँ तक कि सब जगह भागलपुर सब में मिल गया है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। कई हम लोगों को बढ़ोतरी मतलब राशि था, अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है। हाँ, इसी के बाद मतलब हम लोग हड़ताल किए। कब तक हड़ताल रहेगा आपका? जब तक मेरा जितना बढ़ा हुआ था बढ़ोतरी उतना नहीं आता तब तक हम लोग हड़ताल। गलती किसको मानते हैं? गलती तो कर्जपाल अधिकारी किया था। अभी श्रम संसाधन विभाग द्वारा हम लोग का पैसा बढ़ोतरी हुआ था वेतन अक्टूबर माह से, तो अक्टूबर माह से वेतन बढ़ोतरी हुआ तो कार्यपालक पदाधिकारी सोनी कुमारी से हम लोग बात किए। बात करने के बाद उसने बोला कि 1 महीना हमको टाइम दो, तो हम लोग उसको टाइम दिए। अक्टूबर माह बीत गई, नवंबर माह भी बीत गया, बीत चुका है और दिसंबर हो गया। इसमें हम लोग का भुगतान 456 रुपये के रेट से बढ़ोतरी वाला वेतन देना था, लेकिन हम लोग का भुगतान अभी तक नहीं मिला है क्योंकि 10 तारीख को पेमेंट होना था। हर एक माह को 10 तारीख को पेमेंट होती है, लेकिन अभी 13 तारीख हो चुकी है, लेकिन हम लोग का अभी तक भुगतान नहीं होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल हमसे जुड़ेंगे। कृष्णा, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, नगर प्रभारी पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? सफाई कर्मी से ने साफ साफ आरोप लगाया है कि हर नगर निगम में देखा जा रहा है कि बढ़ाया हुआ वेतन दिया जा रहा है, लेकिन जब से ये सोनी कुमारी कार्यपालक पदाधिकारी आई हुई है तब से मतलब कि सफाई कर्मी करीब करीब हड़ताल पे जा रहा है और उसके बाद के पेमेंट के कारण ही हर बार सफाई कर्मियों का हो जाता है। कृष्णा, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो अभी उन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, उनकी मांगों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी अभी तो कोई भी मतलब कि कार्रवाई नहीं किया गया था, उल्टा उन सबको मतलब कार्यपालक पदाधिकारी के तरफ से और डराया धमकाया जा रहा है कि जल्द से जल्द तुम सब ये धरना खत्म करो, नहीं तो हम दूसरे एजेंसी से कार्य करवाएंगे। धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारियों के लिए।
खबर बेतिया से है, जहां हाफ मैराथन दौड़ में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने पहला स्थान लाकर राज्य और बगहा का नाम रोशन किया। बता दें, बुजुर्ग युवक ने अब तक राज्य एवं बाहर के राज्यों में हुए मैराथन दौड़ में 15 से ज्यादा पदक एवं पहला स्थान पा चुके हैं और 2023 में उनका लक्ष्य 100 मेडल जीतने का है। वहीं नगर के पूर्व उप सभापति रविन्द्र प्रसाद बताते हैं कि इस उम्र में इनके हौसले देख हम लोग भी दंग रह जाते हैं। हरिहर सैनी हम युवाओं और उन बुजुर्गों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत है जिन्होंने उम्र के आगे अपनी हार मान ली है। हमारा दौड़ किसी तरह का वो नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, और हम अभी 42 किलोमीटर दौड़ते हैं और देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम से 42 किलोमीटर मैंने पूरा किया, इसमें 7 घंटा लगा है, जिसमें पहाड़ पर भी 10 किलोमीटर दौड़ना था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान के तहत एक पॉक्सो एक्ट व रेप कांड के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने मामले में जानकारी दी। रेप केस के शत्रुघ्न कुमार को पिपरा दुबे गांव से गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पास्को एक्ट का भी आरोपी है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के मलाही बलुआ पंचायत स्थित सिरसिया बंगाली कॉलोनी के वार्ड नंबर 6 में बैरिया के गैस एजेंसी के वाहन ने 6 वर्षीय बालक की जान ले लिया। बता दें, होम डिलीवरी के दौरान वाहन ने बच्चे को रौंद डाला, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। स्कूल जाले हम कौन ही हमरा संग खाना खा के अब नहा लेते ने खा के तब जे अब बोलो ने करी अगले लेके बहते जो पुलिस बराबरी के बोलाए के जाते रहो हुआ ले चल गई घर यहां बा हुआ ले चल गई तो अभी गाड़ी आके वहां मार दे ठोकर जा। खबर नवादा से है, जहां रहुई थाना क्षेत्र के सरमेरा बेहटा मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक किशोर की मौत हो गई,
जिसके बाद आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर से अपना दुकान पर बैठा हुआ था, दुकान पर से दो लड़का के साथ में दो मोटरसाइकिल था, उन बैठ गया पीछे और रोड पर जब फोर लाइन पर चल रहा था तो पूरब दिशा से कोई बाइक वाला आया, वही मैंने मार दिया टक्कर, वो गिर गया और उसी पर जो लगता है पार हो गया। खबर सहरसा से है, जहां गंगजला तिरंगा चौक स्थित मुकुल भारती उपमेयर प्रत्याशी के आवास पर नगर निगम चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में विभिन्न 46 वार्ड से सैकड़ों लोग उपस्थित होकर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। बता दें, बैठक में मौजूद सैकड़ों लोगों ने उपमेयर पद से चुनाव लड़ने के लिए मुकुल भारती को तन मन धन से समर्थन देने का फैसला किया। हम लोगों के बीच के आदमी हैं मुकुल भारती, जो उपमेयर से खड़ा हुए हैं नगर निगम के चुनाव में। उपमेयर से अगर ये खड़ा हुए हैं तो आज हम सैकड़ों कार्यकर्ता इनके निवास पर अभी एक बैठक किए हैं। इनको जीत दिलाई जा सके इसके लिए जो भी मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग सभी वार्ड में डोर टू डोर जाकर के मेहनत करेंगे, प्रचार करेंगे, जो भी करना पड़ेगा तन मन धन से हम लोग इनका मदद करेंगे। इसके सहरसा के लिए सबसे पहले सुंदर और स्वच्छ सहरसा का निर्माण करेंगे। शहर के सभी चौक चौराहों पर अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करेंगे। तत्पश्चात बाजार में जितने भी कस्टमर्स जाते हैं किन्हीं के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है, मैं पार्किंग के लिए व्यवस्था करवाऊंगा। मार्केट के आसपास कहीं भी सरकार की ढेर सारी जमीन खाली पड़ी हुई है और जाम मुक्त सहरसा का जो सपना है यहाँ के लोगों का, मैं उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा, चाहे इसके लिए बड़ा से बड़ा कुर्बानी देना पड़े। खबर नवादा से है, जहां कारा मंडल में जिला अधिकारी उदिता सिंह ने सैलून और पुस्तकालय का फीता काट कर उद्घाटन किया और कैदियों के बीच उन्होंने कई बातें भी रखी। बता दें, जेल में वेलकम जिंदगी शुरू करने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके चलते जेल के अंदर सैलून का और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। सही बंदी लोग और यहाँ पे नया सैलून उद्घाटन हुआ है डीएम मैडम के द्वारा, जो काफ़ी आकर्षक और अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया सैलून है। हम लोग बहुत बढ़िया से इसमें शेविंग वगैरह बाल वगैरह कटवाएंगे। सुबह से ही अच्छा माहौल है कारा में, हैंड वॉलीबॉल का है, कैरम बोर्ड का चल रहा है आयोजन यहाँ पे। हम लोग आज संगीत का कार्यक्रम का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं सुबह से। पूरा जेल प्रशासन इसमें लगे हुए हैं, हम सभी बंदियों को अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। अच्छा माहौल है जेल का अभी। आज यहाँ पे 12 दिसंबर को मंडल कारा दिवस हमारे नवादा मंडल कारा में आयोजित किया गया। यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण में बंदियों को रखा गया है। उनके द्वारा जो है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ ही उनके द्वारा RCT के सहयोग से ट्रेनिंग लिया जा रहा है अभी अगरबत्ती मेकिंग। आज बिहार के सभी काराओं के लिए अति विशिष्ट दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 12/12 और 2012 को बिहार में जेल मैनुअल को लागू किया गया था। ये नवीन जेल मैनुअल पूरी तरह से बंदियों के सुधार पर आधारित है और इसीलिए हम लोग हर प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को कारा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग कारा दिवस को बहुत जोश उमंग के साथ मना रहे हैं, बंदियों के लिए विशेष प्रकार के सांस्कृतिक। जी नमस्कार, मैं विशाल कुमार, मैं म्यूजिशियन हूँ और बंदी भाइयों को मैं म्यूजिशियन सिखाता हूँ और रेडियो मैं ही चलाता हूँ। सुबह शाम भजन सुनाता हूँ और हिंदी सॉन्ग सुनाता हूँ। और आज डीएम मैडम के द्वारा आज सैलून का उद्घाटन हुई है और कारा वेलकम जिंदगी रेडियो की उद्घाटन हुई है। मैं विशाल कुमार, भवनपुर पंचायत और गोविंदपुर और बेहतर है और बेहतर हो गई है।
बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी